बिलासपुर की हर्रा टोला ग्राम पंचायत में ग्रामीणों के द्वारा शौचालय निर्माण राशि न मिलने को लेकर के शिकायत करते हुए सीईओ को एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं ग्रामीणों का यह कहना है कि अगर जल्दी राशि स्वीकृत नहीं की होती तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। दरअसल हर्रा टोला में शौचालयों का निर्माण तो कराया गया था, जिसके लिए 12,000 रुपए भी प्रस्तावित किए गए थे, जिसमें से 4,500 रुपए बेसलाइन के जाते हैं और उसके बाद भी 7,500 रुपए हितग्राहियों के होते, लेकिन अभी तक इसका लाभ अभी इन हितकारियों को नहीं मिल सकता, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने सीईओ को ज्ञापन सौंपा है। पहले बताना चाहूंगा, मैं ग्राम पंचायत हर्रा टोला से हूँ और हमारे यहाँ जो शौचालय का निर्माण कराए थे आज 4 वर्ष बीत चुका है और किसी भी हितग्राही को 1 रुपए नहीं मिला है और जितने भी हितग्राही हैं वो सभी कोई जो है, मतलब सिर्फ जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं हमारे, वो जो है प्लिंथ लेवल तक बना के दिए शौचालय, उसके बाद जो है बाकी का काम जो है हितग्राही स्वयं कर रहे हैं। उसका पैसा जैसे एक शौचालय 12,000 रुपए से स्वीकृत हुआ है, पंच या सीओ साहब जो है जनपद से जो पैसा शौचालय का जो है, चाहे चौधरी मीत से हो चाहे SBM के माध्यम से हो, 29 लाख के करीब 17 लाख कुछ हुआ था इनका, पूरा पैसा जो है ग्राम पंचायत के फंड में डाल दिया गया है।